ये देखिए दोस्तों, ये देखिए 116 नंबर बिल्डिंग है, देखिए 113 नंबर बिल्डिंग है, देख रहे हैं आप। ये पानी मिल रहा है, पानी ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए कि ये हरम पे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, आप देख रहे हैं, और धूप भी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखिएगा आप, वेलकम बैक मुशर्रफ अली ख़ान ब्लॉग्स में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन, एक नया सफ़र। और दोस्तों मैं जा रहा हूँ अज़ीज़े जुनूबिया, चलिए आज अज़ीज़े जुनूबिया का आपको बिल्डिंग दिखाएंगे इंशाल्लाह, और मस्जिद बिन महफूज में नमाज़ पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन घंटा होगा उसको ज़रूर दबाएँ। चलिए इंशाल्लाह हम चलते हैं अज़ीज़िया के लिए दोस्तों, और ये देखिएगा सामने का व्यूज दिख रहे हैं आप माशाल्लाह, देखिए यहाँ से हम पकड़ेंगे टैक्सी, टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं देख रहे हैं, यहाँ से टैक्सी लेंगे और यहाँ से जाएंगे अज़ीज़िया के लिए दोस्तों। देखिए अज़ीज़िया मीना का बोर्ड लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, ये सीधा अज़ीज़िया के लिए रोड गया है। देखिए ये मस्जिद है कतरी, आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। और ये देखिए फाइनली मैं आ गया हूँ हदाया टावर, ये देख रहे हैं आप, ये पूरे बड़े बड़े हदाया टावर हैं, ये देखिएगा जबरदस्त माशाल्लाह। तो फाइनली दोस्तों ये जो मेरे पीछे दिख रहा हो ये है शार हिदायत वाले टावर। चलिए पहले हम आपको बिल्डिंगें दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह मस्जिद बिन महफूज के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं जुमे की, अब फिर आपको पूरी लोकेशन दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए ये मेन इशारा है, चौक जिसको कहना चाहिए, और ये सीधा आप जो देख रहे हैं ये मस्जिद बिन महफूज मुफ्तदल बैंक के लिए गया हुआ है। देखिए सारी इंडियन हाजी बिल्डिंगें शुरू आगे से हो जाती हैं, देखिएगा आप दोस्तों। और देखिए इस साइड में पूरी लाइन से यहाँ से यहाँ तक, और इस साइड में पूरी इंडियन हाजी बिल्डिंगें हैं, ये देख रहे हैं सामने ये बिल्डिंग लगी हुई, देखिएगा 184 185 इस साइड में पूरी बिल्डिंगें हैं, और सीधा भी है दोस्तों आगे की तरफ। देखिए ज़्यादातर लोगों ने बोर्ड देख रहे हैं आप उतार दिए हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये देखिए मिस पैलेस का जो है ये वगैज देख रहे हैं आप, जो हाजियों के जो बैग बैग वगैरह खो जाते हैं तो यहाँ पर देखिए सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। ये सामने 136 बिल्डिंग है, और उसके बराबर में जो है ये देखिएगा दोस्तों, देख रहे हैं आप, और ये ट्रांसपोर्ट हज ऑफिस था यहाँ से, ये देखिएगा। ये सिर्फ आपकी यहाँ पर यादें हैं, ज़्यादातर बिल्डिंगें बंद हैं, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए ट्रांसपोर्ट हज ऑफिस 137 नंबर बिल्डिंग, ऐसी बिल्कुल लाइन से बिल्डिंगें थी, और इसी बिल्डिंग के अंदर ये देख रहे हैं आप बिल्डिंग, इसके बराबर में ही मेडिकल था जो बोर्ड लगा हुआ, आगे दो नंबर ब्रांच थी, दो नंबर बस स्टॉप इसी गली के अंदर था, ये आप देख रहे हैं। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं, ये देखिए सामने ही बन मस्जिद बिन महफूज है, ये 90 नंबर बिल्डिंग है, इसके बराबर बिल्डिंग है ये देख रहे हैं आप, ये 140 है, और इसके बराबर सारी बिल्डिंगें हैं, सामने मुख्तल बैंक है, और देखिए साइड में पूरी लाइन से बिल्डिंगें थी दोस्तों। ये देखिए आप बिल्डिंग पहचान लीजिएगा, 92 93 94 95, ये बिल्कुल मस्जिद के सामने वाली है,
ये सामने 89 है, देख रहे हैं आप, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है दोस्तों। पूरी लाइन से वहाँ तक बिल्डिंग है दोस्तों। और ये देखिए मस्जिद भी महफूज का मेहराब है, ये देख रहे हैं आप। देखिए कबूतर कबूतर वगैरह, यहाँ पर लोगों ने हाजियों ने काफ़ी दाना वगैरह डाला हुआ। देखिए सारी, ये देखिए सुपरमार्केट है, फूल तमीज़ की दुकान है, ये 76 बिल्डिंग है, फिर 77, ये देख लीजिए, ये बिल्कुल मस्जिद बिन महफूज के सामने की बिल्डिंगें हैं, 76, 77, 78, 79, 80 लास्ट तक इस पूरी एरिया में दोस्तों। ये देख लीजिए 78, ये रेस्टोरेंट था 79, इस साइड में भी आप देख लीजिए 145 बिल्डिंग 46, 47 इसी तरीके से है। और ये मस्जिद के सामने का बन मस्जिद बिन महफूज देख रहे हैं आप। ये सामान वगैरह आया हुआ है यहाँ पर बिकने के लिए, प्याज आलू वगैरह, देखिए माशाल्लाह बहुत ही, ये आप देख सकते हैं। ये मस्जिद बिन महफूज के सामने का नज़ारा ये देखिएगा दोस्तों। और सीधे चले जाओगे आगे, ब्रांच नंबर 3 पड़ेगी, 4 पड़ेगी, उसी तरह के बस स्टॉप पड़ेगा, इस गली 45 बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसी के साथ में जो है 3 नंबर बस स्टॉप था। चलिए अब हम चलते हैं मस्जिद के अंदर, मस्जिद के अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं और पढ़ते हैं यहाँ पर जुमे की नमाज दोस्तों पहले, और अंदर का खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं आपके लिए। ये सामान देख रहे हैं सर, फ्रूट वगैरह दिख रहे हैं माशाल्लाह। टमाटर वगैरह सारे कुछ ये मस्जिद के सामने रखा जा रहा है, कम देख रहे हैं आप, ये देखिएगा ज़बरदस्त, जो भी चाहिए आपके लिए ले सकते हैं आप, ये देखिएगा ये मस्जिद बिन महफूज के सामने बिक रहा है, ये देखिएगा कितनी शानदार सब्ज़ी वगैरह देख रहे हैं आप। और ये है मस्जिद बिन महफूज के मेन एंट्रेंस, ये देख रहे हैं आप, जो लिखी हुई दुआली अलबाब रहमत का, ये देखिएगा। और ये है मस्जिद बिन महफूज के सामने का नज़ारा देख रहे हैं आप, सारा सामान वगैरह बिक रहा है, सब्ज़ी फ्रूट वगैरह जो भी चाहिए आपके लिए, ये देख रहे हैं माशाल्लाह। देखिए साइड का भी नज़ारा आप देख सकते हैं, जिन गाड़ी वाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर, ये देखिए चलिए हम चलते हैं अंदर नमाज के लिए दोस्तों। देखिए जैसे मस्जिद के अंदर आप आओगे तो ये रेक रखी हुई है, आप अपना जूता वूता वगैरह रख सकते हैं यहाँ पर, हर चीज़ की फैसिलिटीज है। ये हैं अंदर एंट्रीज की मस्जिद की, चलिए अंदर चलते हैं दिखाते हैं आपके लिए खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए फुल है मस्जिद, देख रहे हैं ये पूरी मस्जिद बिन महफूज है दोस्तों। कितना रश है मस्जिद बिन महफूज के साथ में, जजीरा भी नमाज पढ़ने फुल है माशाल्लाह, देख रहे हैं आप, ये साइड में जजीरा बिल्कुल फुल है, ऐसा लग रहा है हज के टाइम में देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा रश रहता है ये जजीरा। ये मेरे पीछे देख रहे हैं मस्जिद बिन महफूज के साथ में, देखिए नमाज़ पढ़ के लोग जुमे की निकल रहे हैं, कितना रश है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों। ये देखिए देख रहे हैं आप, और सामान ही बिक रहा है, लोग सामान भी खरीद के लेके जा रहे हैं, बिल्कुल हर जैसा जो है यहाँ पर बिल्कुल माहौल बना हुआ माशाल्लाह, काफ़ी रश काफ़ी भीड़ है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए नमाज़ पढ़ पढ़ के अब लोग, ये लोकल के लोग जो बिल्डिंगों में यहाँ पर रहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सामने पका रहा है, लोग पानी जूस वगैरह फूल तमीज़ भी ले रहे हैं।
देखिए इधर की साइट भी हम कई बार दिखा चुके हैं और ये बिल्डिंग भी आपको कई बार दिखा चुके हैं, देख रहे हैं आप। और सामने देख लीजिए, बिल्कुल सामने दो नंबर बस स्टॉप हुआ करता था, ये 96 बिल्डिंग है। ये देख लीजिए साइट में भी, देख रहे हैं आप, दो नंबर ब्रांच थी और ये दो नंबर बस स्टॉप था यहाँ पर। और ये देखिए सुपरमार्केट रफल के नाम से है, ये देख लीजिए दोस्तों। चलिए इस गली के अंदर चलते हैं। ये देखिए 114 नंबर, ऐसे आके फिर ये रोड आ जाएगा, रोड की दोनों साइडों से बिल्डिंगें हैं थी यहाँ पर दोस्तों। ये देख लीजिए शार हिदायत के बर्बर टावर हैं और इस पूरी साइट में इधर इंडियन हाजियों की बिल्डिंग वगैरह थी, ये आप देख सकते हैं खूबसूरत खूबसूरत माशाल्लाह। और सामने ये बिल्डिंग 126 थी, आप देख रहे हैं ये सामने वाली 125 बिल्डिंग है, 122 है। इस लाइन में भी तीनों बिल्डिंगें थी आप देख रहे हैं, और सीधे इस लाइन में आगे और भी बिल्डिंग हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कुछ नहीं मिलेगा आपके लिए, एकदम सुनसान सन्नाटा, ये आप देख सकते हैं सामने, इसके बराबर में ही बिल्डिंग है 123। ये देखिएगा दोस्तों, पर इसके बराबर में है बकाला है। इसी तरीके से यहाँ लाइन में बिल्डिंग सारी नज़र आएंगी आपके लिए हज मिशन की दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरी साइड की तरफ, शार हिदायत की दूसरी साइड की तरफ लेकर चलता हूँ आपके लिए, वहाँ का थोड़ा सा खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाता हूँ, बिल्डिंग वगैरह दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं ये सारी बिल्डिंगें 17, 18, 19, 20 इस तरीके पूरी 22, 23, 24 तक इस तरीके ब्रांच बन के ली गई हैं, तो ये देखिएगा आप दोस्तों। लेकिन हमें जाना है इस साइड की तरफ रोड की उस पार दोस्तों। ये 243 बिल्डिंगें देख रहे हैं आप, ये सारी बंद मिलेंगी, देख लीजिएगा लोकेशन आपके साथ में, क्योंकि इस गली के अंदर भी जो है ये ब्रांच 6 की साइड है दोस्तों, इधर आगे जाके आपको ब्रांच 6 मिलेगी। देखिए एक बिल्डिंग ये थी आप देख रहे हैं आप, ये देखिएगा, और ये बिल्डिंग है 245 245, देख रहे हैं आप, ये देखिएगा 245। उसके आगे 247, और देखिए इधर ये मस्जिद भी है, इधर के अंदर भी, मस्जिद के अंदर भी बिल्डिंग हैं दोस्तों। देखिए ये है 247, देख रहे हैं आप, ये देखिएगा पूरी बिल्डिंग आपके लिए खाली वगैरह मिलेंगी इस टाइम, ये देखिएगा। और सामने आप देख रहे हैं मतम फैसल आ गया, ये मतम फैसल है, इसकी बड़ा मतम फैसल है, बड़ा बकाला है ये पूरी, आगे जाके ये मेन रोड है, और रोड के उस पार भी आप बिल्डिंग देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये मतम फैसल है दोस्तों। और इधर साइड का भी आप नज़ारा देख सकते हैं, ये सामने 254 बिल्डिंग है, ये देख रहे हैं आप 254 254, और इसी गली के अंदर ब्रांच 6 नंबर है, और ये सामने जो आप पेड़ देख रहे हो यहाँ पर बस स्टॉप नंबर 6 था दोस्तों। चलिए ब्रांच 6 दिखा देता हूँ आपके लिए, देखिए बस स्टॉप यहाँ पर था 6 नंबर बस का, ये आप देख सकते हैं, आप इसको पहचान लें, आप देख लीजिएगा, ये देखिए दोस्तों इसी गली के अंदर है ब्रांच 6, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है, ये शाखा डिस्पेंसरी 6 नंबर, ये आप देखिएगा, ये आप देख सकते हैं, ये देखिएगा दोस्तों, ये इसके सामने का नज़ारा है, अंदर भी इसके बिल्डिंगें हैं, ये देखिएगा, ये देखिए 259 है, ये आप देख रहे हैं। और ये बिल्डिंग है 256 नंबर, जिसमें 30 बेडेड का जो है बनाया, देखिए आप देख रहे हैं 256 बिल्डिंग, और ये मेडिकल सेंटर बनाया था एक्सक्लूसिव 30 बेडेड का, ये देखिएगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिएगा दोस्तों, 30 बेडेड का था ये देखिएगा 30 बेडेड का था। और उसी के सामने 258 बिल्डिंग है, ये सामने वाली, ये देखिए 258। देखिए दोस्तों ये
यहाँ पर बोर्ड बोर्ड वगैरह उतार दिए हैं। यहाँ पर 3 बिल्डिंगें हुआ करती थी लेकिन बोर्ड उतार दिए गए हैं नंबरिंग के जो पड़े हुए थे दोस्तों। और इसी के सामने आप देख सकते हैं ये पार्क है, आप पार्क के हिसाब से आप पहचान सकते हैं कि नंबरिंग यहाँ से हटा दी गई है। देख रहे हैं आप, ये देखिएगा ये पार्क है और पार्क के सामने भी देख रहे हैं आप वो सामने बिल्डिंग है कि ये वाली इंडियन हज मिशन के पास थी दोस्तों। दोस्तों जिसने ब्रांच 11 और 12 की बिल्डिंगें नहीं देखी हैं और वो मैं पिछली वीडियो में डाल चुका हूँ, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो वो अपनी 11 नंबर ब्रांच और 12 नंबर ब्रांच की बिल्डिंग देख सकते हैं। वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे। और एक ब्रांच से लेकर 5 ब्रांच तक की भी मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बिल्डिंग की डाली है, तो आप वीडियो उसको भी जाके देख सकते हैं। और ये आज हमने मस्जिद बिन महफूज और उसके आसपास का नज़ारा आपको दिखाया, बिल्डिंग वगैरह दिखाई। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया करिए। दोस्तों आप लाइक नहीं करते हैं ना कमेंट करते हैं, और वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।